हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स. स्टार्ट द फूड पाइप एंड द ओइशोफागस. फूड पाइप और ओइशोफागस मतलब कि क्या है? मतलब हमारी बॉडीज के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्स होता है उसके अंदर यूटिलाइज होता है फूड पाइप एंड द ओइशोफागस. दैट इज द स्वॉले फूड एंड पासिस इन टू द फूड पाइप एंड द ओइशोफागस. जितना भी फूड हम स्वॉलेज करते हैं मतलब कि जो फूड पाइप के अंदर एंटर होता है निकलते हैं. एंड दैट इज द फूड पाइप रन टू अलाउ. फूड पाइप क्या करता है? उसको रन करता है. एंड दैट इज़ द पोजिशन ऑफ द टेस्ट बर्स मतलब कि जो होता है जैसे कि अलग अलग टाइप्स के फूड पाइप्स के अंदर ओइसोफागस के अंदर तो हमें क्या करता है वो डायरेक्टली स्टमक के अंदर मतलब उसको एंटर करवाता है. फूड्स आर मूवमेंट टेक प्लेस इन द थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल. मतलब कि वो फूड को क्या करता है मूवमेंट करवाता है एलिमेंट्री का. एंड पुश अप द फूड डाउनवर्ड्स के अंदर जाता है. एट दैट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक. फूड हमारा क्या होता है कई बार एक्सेप्टेड नहीं करता तो वॉमिटिंग हो जाती है. एंड इंसिडेंट दैट इज अ वॉमिटेड आफ्टर द ईटिंग थिंकिंग दैट इज रीजन. एंड डिस्कस विथ योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स से भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है तो हमारा स्टमक जो होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता. जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वॉमिटिंग्स मतलब के होने लग जाती है. जैसे कि उसके बाद में आता है हमारा दूसरा ट्रैक स्टमक. स्टमक इज द थिक क्वालिटेड बॉक्स बैग्स होता है और जो जे लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. इट इज़ द वाइटेज पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रिक कैनाल्स का. इट इज़ रिसीव द फूड फ्रॉम द फूड पाइप से रिसीव करता है. एंड ओपन्ड इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर द इनर लिविंग पार्ट द स्टमक इज सिक्रेटेड द म्यूकस. स्टमक क्या सिक्रेटेड करता है? म्यूकस को. और उसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस भी मिक्सअप होते हैं. द जूस इज प्रोटेक्ट टू लिंग क्लीनिंग ऑफ द स्टमक. क्लीनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड द एसिड किल द मैनी बैक्टीरिया. एसिड जो होता है वो अपने फूड के अंदर जो बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं उसको किल करता है. एंड एंटर अलोंग मतलब कि फिर उसके बाद में उसको एंटर करवाता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. तो अब हम सीखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोलाइड. कोलाइडाइड्स मतलब कि ऐसे पूरा 7.5 मीटर्स इतना लंबा लॉन्ग मतलब के होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज़ रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर्स एंड द पेंक्रियाज. इट वॉल बी सिक्रेटेड्स द जूसेस. मतलब जूसेस को सिक्रेटेड करता है. द लीवर इज रेडिश एंड द ब्राउन ग्लैंड मतलब कि ब्राउन कलर का एक ग्लैंड होता है सिचुएटेड द अपर पार्ट्स ऑफ द एबडोमियंस ऑन द राइट साइड में मतलब के सिचुएटेड होता है. इट इज़ द मतलब कि उसके अंदर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर. लीवर दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इट इज सिक्रेटेड्स द बाइल जूस एंड स्टोर द स्की कॉल द क्लॉट बैटर. और वो स्टोर होता है क्लॉट बैटर के अंदर. द बाइल इज प्ले इन द इम्पोर्टेंस रोल इन द जूस मतलब कि जो होता है फैट्स का मतलब इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है. द पेंक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर का होता है. ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो इन द स्टमक के जस्ट बिलो लोकेटेड होता है. द पेंक्रेटिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड प्रोटीन. मतलब पेंक्रेटिक जूस होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को एक्ट करते हैं और फैट और प्रोटीन्स बनाते हैं. और इस तरह से फैट और प्रोटीन्स को क्या करते हैं डाइजेस्ट करने का काम करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. द पार्टली ऑफ फूड्स नाउ द रीच द लोअर पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. और वो लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो कम्प्लीटली वहाँ पर डाइजेशन होके फिर वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में ब्रोकन्स होता है सिंपल सुगर्स के अंदर कन्वर्ट होता है. फैट फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है. प्रोटीन से होता है एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है. एंड एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है? एसिमिलेशन प्रोसेस होती है. एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है. द डाइजेस्ट फूड कैन बी नाउ पास इन टू द फूड ब्लड वेसल. जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर जाते हैं. एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन. इस तरह के प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ 1000 फिंगर लाइक अ आउटग्रोथ. और उसे हम बोलते हैं विली. कैन यू गेस द रोल ऑफ विली इज फूड इन द इंटेस्टाइन. द विली इज इंक्रीज द सर्फेस ऑफ एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड. एंड इच विली इज इन द नेटवर्क. हर एक विली के एक नेटवर्क होता है. स्मॉल ब्लड वेसल इज क्लोज इन टू द सर्फेस एंड दैट इज द सर्फेस ऑफ विली इज एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड मटीरियल. द एब्जॉर्ब द सब्सटेंस एंड ट्रांसपोर्ट द वाया ब्लड वेसल्स में मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. ऑर्गन दे यूज द बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्ड करते हैं. एंड सच हैज दिस मतलब कि इस तरह से जो बनता है दैट इज द रिक्वायर्ड द एसिमिलेशन प्रोसेस. एसिमिलेशन प्रोसेस होती है. द
द ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है हेल्प ऑफ ऑक्सीजन से. एंड ऑक्सीजन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर डेवलप होता है. और हमारी बॉडीज को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. एंड द फूड दैट इज रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब दैट इज द एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. और वो कहाँ पर इंटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इसमें क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है उसको, मतलब कि पूरा का पूरा जो शॉर्टेज स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन होता है, तो इंटेस्टाइन जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, 7.5 meters. पर लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 meters मतलब के बड़ा होता है. और वो वहाँ से क्या करता है, एब्जॉर्ब द वाटर, सम सॉल्ट को मतलब एब्जॉर्ब करता है, अनडाइजेस्ट फूड, द रिमेनिंग वेस्ट होता है पासिस टू द रेक्टम में पासिस करता है, एंड रिमेन देयर सेमी सॉलिड ऑफिसेस के तौर पे वो हमारे बॉडीज के बाहर निकलता है. इस तरह से टाइम टू टाइम बाहर निकलता है. अब हमें जो डाइजेशन सीखना है वो हर्बीवोरस एनिमल्स का सीखना है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.